welcome to my YouTube channel and welcome to today's video. For those of you who are new to my channel, hi, my name is Arujha. Welcome to my channel. So, आज का जो वीडियो होने वाला है वो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरे चैनल पे एंड दैट इज़ कि हमने लॉ के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कैसे की या इन जनरल आप लॉ के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, BHU LLB की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो. अगर आपको नहीं पता तो आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ LLB BHU की. सो हम अभी थर्ड ईयर में हैं विच इज़ माई फाइनल ईयर एंड हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहे हैं. सो इस वीडियो में आई विल बी कवरिंग आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आपके जितने भी क्वेरीज हैं, वो उन सारी क्वेरीज़ को एंड इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे प्रिपरेशन करना होता है, किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है लॉ के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में BHU के स्पेसिफिकली एंड उसकी हमने प्रिपरेशन कैसे की, हमने कौन कौन सी बुक्स को रेफ़र किया एंड इस वीडियो के लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने वाले हैं जो कि आपने मेरे से पूछा हुआ है. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो. सो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लॉ के दो कोर्सेज होते हैं, ठीक है. तो एक जो कोर्स होता है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है विच इज़ LLB का कोर्स एंड एक कोर्स होता है जो जस्ट 12th के बाद होता है विच इज़ BA LLB का कोर्स. सो LLB का जो कोर्स है उसके लिए और भी यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम कराती है, यानी 3 ईयर के कोर्स के लिए और भी यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम कराती हैं. जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना एग्ज़ाम होता है 3 ईयर के कोर्स के लिए, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना एग्ज़ाम होता है, जैसे आई थिंक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी एक एग्ज़ाम कराती है एंड महाराष्ट्र का भी एक अपना एग्ज़ाम होता है, आई थिंक MHCET होता है उसके लिए. और 5 ईयर का जो कोर्स है जो कि आप जस्ट 12th के बात करते हो उसके कुछ बहुत फेमस एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे CLAT होता है एंड जैसे कि ALET हो गया जो कि NLU दिल्ली के लिए होता है. तो ये सारे कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं. अब हम आते हैं इस कंफ्यूजन पे कि 3 ईयर वाला लॉ जो होता है वो 5 ईयर वाले लॉ से कैसे डिफरेंट है. तो 3 ईयर वाला जो लॉ है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है, यानी कि अगर आपने BA, BSc, BCom या फिर BTech जो भी किया है उसके बाद आप 3 ईयर वाला लॉ करते हो, ठीक है. और 5 ईयर वाला जो लॉ होता है वो ग्रेजुएशन प्लस लॉ की डिग्री होती है, यानी डुअल डिग्री होती है एंड वो आप जस्ट 12th के बाद करते हो, ठीक है. तो इसमें एक साल आपका बचता है, जनरली एक साल बचता है. जैसे हमने BSc किया, BSc 3 साल लगा हमें करने में एंड उसके बाद हम लॉ कर रहे हैं जिसमें हमें 3 साल और लग रहा है. लेकिन अगर आपने सीधे 12th के बाद लॉ के लिए ऑप्ट किया, अपने 5 ईयर वाला अगर आप कोर्स कर रहे हो तो आपका BA एंड LLB 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा, 1 साल आपका बचेगा. BA LLB में क्या होता है कि कुछ ग्रेजुएशन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं, जैसे सोशियोलॉजी, पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं एंड लॉ भी पढ़ाया जाता है. LLB में केवल लॉ की पढ़ाई होती है, ठीक है. तो ये था एक बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच में. एग्ज़ाम्स हमने बता दिया कि किस कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं इंडिया में 3 ईयर एंड 5 ईयर के लिए. सो अब हम आते हैं कि BHU में एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है. तो BHU में BHU का जो BA LLB है उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम को BLAT कहा जाता है, BLAT एंड LLB का तो नॉर्मल LLB का एग्ज़ाम होता है. तो दोनों के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं एंड क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो काफ़ी सिमिलर होता है. दोनों ही एग्ज़ाम में 150-150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड 450 टोटल मार्क्स होता है, प्लस 3 अगर आपने करेक्ट आंसर दे दिया, -1 अगर आपने गलत आंसर दे दिया और 0 अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया. सो ये तो है मोटा मोटी पैटर्न कैसा होता है. अब पूछा क्या क्या जाता है एग्ज़ाम में. तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पॉलिटी, यानी जिसे आप पॉलिटिकल साइंस कहते हो या फिर जिसे आप सिविक्स कहते हो, तो पॉलिटी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है. उसके बाद लीगल रीजनिंग पूछा जाता है और फिर इन जनरल जो रीजनिंग होती है वो पूछी जाती है. मैथ्स पूछा जाता है, इंग्लिश पूछा जाता है या फिर हिंदी पूछा जाता है, इंग्लिश हिंदी में एक करना होता है. जनरल साइंस पूछा जाता है, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, इन सब से भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं एंड करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं. सो अब हम आते हैं इस बात पे कि हमने प्रिपरेशन कैसे किया. देखिए टोटल जो मेरा प्रिपरेशन था वो हमने 7-10 मंथ्स प्रिपेयर किया था, सेल्फ स्टडी किया था
हम कॉलेज जाते थे, मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था उसके साथ साथ ही प्रिपेयर किया था, तो इस वजह से हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। वैसे अगर आप 6 महीने भी ढंग से पढ़ो तो हो जाएगा आराम से आपका, अगर आप बैठ के पढ़ रहे हो उसके लिए। तो जब हमने सोचा कि हाँ हमें लॉ करना है, तो उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हमने पुराने पेपर्स की एक बुक आती है अरिहंत की, पुराने 5 साल के पेपर होते हैं उसमें, वो बुक ले ली। एंड सबसे पहले हमने पुराने पेपर्स को देखा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक पेपर पे लिख लिया, ठीक है, कि इस टाइप के, मान लो पॉलिटी है तो पॉलिटी से इस टॉपिक से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, हिस्ट्री है तो इस टॉपिक से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो वो हमने पेपर पे लिख लिया, एक कॉपी बनाई थी उस पर हमने लिख लिया, ठीक है। तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि जब हम किसी और बुक से उस टॉपिक को पढ़ रहे थे तो हमें पता था कि ये इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरीके से हमें पढ़ना चाहिए एंड इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो मेरा ध्यान उस टॉपिक पे जाता था कि हाँ हमें इस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है। नॉट दैट कि हम बाकी सारे टॉपिक को इग्नोर कर देते थे, बट ये था कि हम उस टॉपिक को ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ते थे। तो ये तो एक बुकलेट हमने ली अरिहंत की, पुराने पुराने 5 साल के पेपर की जो बुकलेट आती थी वो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पुराने पेपर को सॉल्व करना, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपके पुराने पेपर को सॉल्व करके ही हो जाएगी। जैसे आपको मैथ्स के लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ना होगा, आप पुराने पेपर सॉल्व करो, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। वैसे तो मैथ्स का जो होता है वो 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इजीली हो जाता है, बट आपको प्रैक्टिस की तो ज़रूरत है ना। आपने ग्रेजुएशन किया है, मान लीजिए आपका मैथ्स छूटे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो आप पुराने पेपर सॉल्व करोगे तो उससे आपको प्रैक्टिस होगी। इसके अलावा लीगल रीजनिंग जो होता है वो हमने पुराने पेपर्स को सॉल्व करके ही प्रिपेयर किया था। देखिए, लीगल रीजनिंग को प्रिपेयर करने का एक ही फंडा है कि अपना दिमाग मत लगाओ, जो प्रिंसिपल में लिखा है वो पढ़ो, वो समझो एंड उसी के बेसिस पे आंसर करो। यूजुअली क्या होता है ना, लोगों का लीगल रीजनिंग कैसे गलत हो जाता है, वो लोग ये सोचने लगते हैं कि यार ऐसा केस हमने सुना था, ये जो लिखा हुआ है केस, इसमें ऐसा केस तो हमने सुना था, इसका ऐसा ऐसा डिसीजन सुना था, तो ये ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर आपके प्रिंसिपल पे कुछ और ही लिखा है, मान लीजिए अगर कोई एक टॉपिक है जिसके बारे में कुछ उल्टा लिखा है उस प्रिंसिपल पे, लेकिन आपने अपने पुराने सुने हुए के बेसिस पे आंसर कर दिया, तो आपका गलत हो जाएगा। वो आपको प्रिंसिपल के बेसिस पे ही आंसर लिखना है। तो लीगल रीजनिंग हमने इसी तरीके से प्रिपेयर किया था पुराने पेपर को सॉल्व कर करके। इसी तरीके से जनरल रीजनिंग आता है, ठीक है, वो भी हमने पुराने पेपर को ही सॉल्व कर करके प्रिपेयर किया था, कुछ अलग से कोई जनरल रीजनिंग की बुक नहीं पढ़ी थी। इसी तरीके से इंग्लिश भी हमने पुराने पेपर को ही सॉल्व कर करके प्रिपेयर किया था, ठीक है। तो पुराना पेपर आप देख रहे हो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अगर चाहो तो अरिहंत की बुक ले सकते हो, नहीं तो आई से कि आप अरिहंत वाली बुक ले लो, नहीं तो पुराने पेपर तो आपको ऑनलाइन BHU के साइट पे भी मिल जाएंगे। बट आई पर्सनली फील कि आपको अरिहंत की बुक ले लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें बाद में नोट्स भी दिया है जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। नाउ मूविंग ऑन टू एक बुक जो हमने सबसे ज़्यादा पढ़ा था, वो था यूनिवर्सल की बुक। यूनिवर्सल की एक बुक आती है क्लैट के लिए और LLB के एंट्रेंस के लिए, वो बुक हमने पढ़ डाली थी अच्छी तरीके से, ठीक है। उसमें पॉलिटी अच्छे से दिया हुआ है, इसमें सारे सब्जेक्ट सब कुछ अच्छे से दिए हुए हैं। और उस बुक की एक खास बात ये है कि जैसे मान लीजिए पॉलिटी में हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग पे एक चैप्टर है, ठीक है, तो उसके बाद उस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, MCQs दिए हैं जो कि अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो हम उन MCQs को सॉल्व करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल था मेरे लिए, मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो जाती थी। पॉलिटी के लिए हमने यूनिवर्सल और एक और बुक पढ़ी थी, लूसेंट की बुक। लूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक आती है, येलो कलर की एक बुक होती है वो, उससे हमने केवल पॉलिटी वाला पोर्शन पढ़ा था, बाकी और कुछ नहीं पढ़ा था। तो पॉलिटी मेरी यूनिवर्सल और लूसेंट से प्रिपेयर हुई थी, और हमने एक नोट्स बना लिया था, ऐसा नहीं किया था कि पहली रीडिंग में ही नोट्स बना लिया, 2-3 रीडिंग मारी थी, उसके बाद फिर हमने शॉर्ट नोट्स टाइप का बना लिया था इन दोनों बुक्स को मिक्स करके, एंड बस उसी नोट्स को रिवाइज करते थे हम। तो ये हुआ पॉलिटी का प्रिपरेशन। उसके बाद हम आते हैं जनरल साइंस का, जो प्रिपरेशन होता है वो भी हमने यूनिवर्सल और पुराने पेपर को सॉल्व करके प्रिपेयर किया था। तो इस तरीके से मेरा जनरल यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस का पोर्शन प्रिपेयर हो गया था।
इंग्लिश का पोर्शन जो है उसके लिए हमने कुछ ऐसा एज सच तैयारी नहीं की थी, ऑल्दो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, वो क्या उससे अच्छा होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। उसमें इंग्लिश का जो पोर्शन होता है उसमें एक अनसीन पैसेज होता है, कॉम्प्रीहेंशन टाइप का होता है, उसके बेसिस पे आंसर करना होता है, कुछ क्वेश्चन सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके लिए हमने कोई अलग से बुक नहीं ली थी, कुछ भी अलग से प्रिपरेशन नहीं किया था, यूनिवर्सल वाली बुक में ही जो क्वेश्चन वगैरह थे उसी को सॉल्व करके हमने प्रिपरेशन किया था, कुछ अलग से प्रिपरेशन नहीं किया था, कुछ अलग से बुक नहीं लिया था। अब हम आते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। करंट अफेयर्स पे हमने काफ़ी मेहनत किया था, बाद में हमें लगता है कि इतना मेहनत नहीं करना चाहिए था, बट स्टिल करंट अफेयर्स के लिए हम स्टडी IQ का वीडियो आता था मंथली करंट अफेयर्स का, वो हमने देखा था, वो काफ़ी अच्छा है। आप वो मंथली 200 करंट अफेयर्स वो देते हैं, इस तरह का एक वीडियो सीरीज़ आता है, ठीक है, गौरव गर्ग सर का, तो वो आप रेफ़र कर सकते हो, उससे करंट अफेयर्स आपका काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। ऑल्सो करंट अफेयर्स के लिए कौन से नए जज अपॉइंट हो रहे हैं किस हाई कोर्ट में, न्यूज़ में अगर वो आ रहा है तो आप उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए, कौन सा नया केस ऐसा इंपॉर्टेंट है, उस केस का नाम वगैरह, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से ध्यान दो, ये सारा चीज़ पूछा जा सकता है, कुछ नया लॉ आया है, ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान दो, यही सारा जो क्वेश्चन होता है यही पूछा जाता है लॉ के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो इन सारे टॉपिक्स पे आप अच्छी तरीके से ध्यान दे दोगे, आपका करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाएगा, हमने भी इसी तरीके से प्रिपेयर किया था। नाउ एक टिप और है जो कि हमने गड़बड़ की थी, इंग्लिश एंड हिंदी सेक्शन में ऑप्शन आता है, ठीक है, अगर आप चाहो तो आप इंग्लिश वाला सेक्शन अटेम्प्ट करो, कुछ क्वेश्चन आई थिंक 20-25 क्वेश्चन इंग्लिश के रहते हैं और 20-25 क्वेश्चन हिंदी के रहते हैं। तो हमने क्या किया था, हमें लगा कि यार हम इंग्लिश मीडियम के हैं, बचपन से इंग्लिश हमने पढ़ा है, हम हिंदी वाला सेक्शन देखे भी नहीं, एंड हमने इंग्लिश वाला सेक्शन अटेम्प्ट कर दिया, उसमें कुछ क्वेश्चंस नहीं भी आते थे हमें, तो बस इंग्लिश वाला हमने अटेम्प्ट कर दिया। लेकिन बाद में मेरे एक फ्रेंड ने बताया, ऑल्दो वो भी इंग्लिश मीडियम का ही था, बचपन से उसने इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई की थी, बट उसने हिंदी का सेक्शन अटेम्प्ट किया क्योंकि उसने दिमाग लगाया, हिंदी के क्वेश्चंस देखे, एंड हिंदी के क्वेश्चंस जो थे वो ज़्यादा इजी थे। तो यूज़ योर ब्रेन एंड कोई भी पार्ट ऐसा मत करो कि हमने नहीं पढ़ा क्योंकि हम ज़्यादा चटक बन रहे थे, ऐसा मत करना। आप हिंदी वाला सेक्शन भी देख लेना, अगर आपको उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आए तो इंग्लिश वाला आप छोड़ सकते हो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आप इंग्लिश मीडियम से बचपन से पढ़े हो तो कोई बात नहीं है, आप हिंदी वाला सेक्शन अटेम्प्ट करो क्योंकि अल्टीमेटली आपको मार्क्स लाने से मतलब है और कुछ भी। अब हम आते हैं BA LLB के प्रिपरेशन के लिए। अगर आप क्लैट के प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोई स्पेशल प्रिपरेशन की आपको ज़रूरत नहीं है, क्लैट की जो भी आप क्लैट के लिए नोट्स पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, आप उसी को रेफ़र करो, वरना अगर आप BHU के लिए अलग से प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो जो हमने LLB के लिए बताया, जो सारी चीज़ें हमने LLB के लिए बताई, वही सारी चीज़ें आपको BLLB के लिए भी पढ़नी होगी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ऑल्दो BLLB का जो कट ऑफ होता है वो ज़्यादा हाई जाता है क्योंकि लोग क्लैट की तैयारी फॉर्मल करके आते हैं एंड बहुत ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं वो लोग, सो कीप दैट इन माइंड। अब एक क्वेश्चन की करंट अफेयर्स कितने टाइम तक का पढ़ना है, एक साल तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। ऑल्सो कुछ लोग ये करते हैं कि मैथ्स को और जनरल जो रीजनिंग आता है उसे इग्नोर करते हैं, प्रिपेयर ही नहीं करते हैं, मतलब प्रिपेयर करने से सेंस बिल्कुल ही सॉल्व ही नहीं करते हैं कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन। प्लीज़ ये गलती मत करिएगा क्योंकि मैथ्स और जो रीजनिंग का पोर्शन होता है, जनरल रीजनिंग का पोर्शन होता है, वो आपको BHU में एंट्री दिला सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो एंड बहुत ही ईजी उसमें मार्क्स आ जाता है, सो इग्नोर मत कीजिएगा इन दोनों टॉपिक्स को। सो ये थी मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कि हमने कैसे प्रिपेयर किया, कितना टाइम लगा, कौन कौन सी बुक पढ़ी, कैसे प्रिपेयर किया सब कुछ। लेकिन अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई टू दैट कमेंट, एंड अगर नहीं हो पाया तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो उस टॉपिक के ऊपर, अगर हमें लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ ये हमने छोड़ दिया है, भूल गए हम ये बताना, तो हम एक वीडियो फिर से बना देंगे उस टॉपिक के ऊपर। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर जो आप लोगों ने मेरे से पूछे हैं। एम्स IAS मिशन सिविल सर्विस, इन्होंने पूछा है BHU LLB के लिए कोई एफिलिएट कॉलेज भी है क्या, कौन सा एफिलिएट कॉलेज BHU में LLB कोर्स प्रोवाइड कराता है, प्लीज़ रिप्लाई मी। सो BHU LLB का कोई भी एफिलिएट कॉलेज नहीं है, जो भी है मेन कैंपस है, जो मेन फैकल्टी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है वही है, लॉ स्कूल BHU एक ही है, कोई एफिलिएट कॉलेज नहीं है इसका।
ना संजीव कुजुर ने पूछा है व्हाट इज़ द क्लास टाइम टेबल ऑफ BHULLB। सो क्लास टाइम टेबल हम आपको क्या बताएं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड के लिए सबके लिए अलग है यार। यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम चलता है, तो यहाँ पे 3 साल का अगर मान लीजिए कोर्स है तो 6 सेमेस्टर होते हैं, हर 6 महीने पे एग्ज़ाम होता है। तो क्लास टाइम टेबल हम आपको क्या बताएं, बस ये समझ लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप हैं, यानी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप हैं, तो 9 से 4 क्लास चलेगी एंड बीच में 1 घंटे का गैप होगा। एंड अगर आप सेकेंड सेमेस्टर या उससे आगे पहुंच चुके हो तो 10 बजे से 5 बजे तक क्लास चलेगी, बीच में 1 घंटे का गैप होता है और 1-1 घंटे की क्लास होती है। सो या अभिषेक त्रिवेदी जी ने पूछा है मुझे LLB के लिए प्रिपरेशन करना है, कौन सी कोचिंग बेस्ट रहेगी, प्लीज़ हेल्प मी। आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी से आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। ये है कि आपको पूरा मतलब लिस्टिंग करना होगा कि ये हमें पढ़ना है एंड आप ये सारी बुक्स ले लो एंड नोट्स बनाओ, पढ़ाई करो, बार बार रिवाइज करो, यही है और क्या। हर्षवर्धन हिंदी 1676 जी ने पूछा है प्लीज़ टेल मी द मोड ऑफ टीचिंग इन BHULLB। देखिए LLB में इंग्लिश का सेक्शन अलग होता है, हिंदी का सेक्शन अलग होता है, तो दोनों ही तरीके से पढ़ाई होती है, हिंदी में भी पढ़ाई होती है एंड इंग्लिश में भी पढ़ाई होती है। AVS रिव्यू ने पूछा है कौन कौन सी बुक पढ़े LLB के लिए, प्लीज़ बता दीजिए। सो बुक लिस्ट हमने बता दिया आपको कि अरिहंत की आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वाली बुक ले लीजिए, एक यूनिवर्सल की बुक ले लीजिए क्लैट LLB के लिए जो आती है वो, और लूसेंट के से आपको पॉलिटी पढ़ना है तो लूसेंट की एक बुक ले लीजिए। चंद्रशेखर जी ने पूछा है आई बी मोर इंटरेस्टेड इफ़ यू शेयर हाउ यू क्रैक योर BHULLB एंट्रेंस एग्जाम, व्हाट आर द स्ट्रैटेजी एंड स्टेप्स यू हैव फॉलोड टू गेट सक्सेस। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज सारी चीज़ें जो हमने फॉलो की। सो ये सारे क्वेश्चंस थे जो हमसे पूछे गए थे, आई होप हमने आप सभी की क्वेरी सॉल्व कर दी होगी, आपके मन में जो भी क्वेश्चंस था। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि हम वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, सारी स्ट्रैटेजी एवरीथिंग सब कुछ बता सकें हम आपको। सो इसी तरीके से हमने प्रिपेयर किया एंड आई होप हमने आपकी क्वेरी को, आपके प्रॉब्लम्स को, आपके कन्फ्यूजन को दूर किया हो। लेकिन अगर अभी भी कुछ बचा रह गया तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ऑल्सो रिसेंटली हमें एक कमेंट मिला था कि ये तो केवल मेकअप का चैनल है, तो ऐसा नहीं है, ये केवल मेकअप का चैनल नहीं है या फिर ब्यूटी का चैनल नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ों का चैनल है एंड आपको जिस टाइप की वीडियो देखनी है आप वो सजेशन कमेंट सेक्शन में डाल दो, मेरे से अगर हो पाएगा तो आई बी मोर देन हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक, अगर नहीं हो पाएगा तो आई टेल यू उसी कमेंट के नीचे कि यार हमें नहीं पता है, या फिर अगर मेरे से हो पाएगा तो हम पूछ के किसी से बता देंगे, आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। सो प्लीज़ अगर आपके मन में कोई भी टॉपिक चल रहा है कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हो, हमें बड़ी खुशी होगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाते हुए, जैसे आज हो रही है हमें खुशी इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हुए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, हम देख रहे हैं कि हमने अभी एनालिटिक्स अपना चेक किया एंड उसमें देखा कि 95% लोग जो हैं वो बस मेरी वीडियोस देख ले रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। यार क्यों, क्या प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से, आप अगर सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपको अगर वीडियो नहीं पसंद आ रही है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता दो कि यार अरु तुम्हारी वीडियो हमें नहीं पसंद आ रही है या फिर ये टॉपिक हमें नहीं अच्छा लगा। आई वर्क और हार्ड अपने वीडियोज़ के ऊपर, और भी ज़्यादा हार्ड वर्क हम करेंगे अपने वीडियोज़ के ऊपर ताकि आप लोगों को पसंद आए। अगर नहीं पसंद आ रही है फिर भी तो थम्स डाउन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, एटलीस्ट जो रियल रिव्यू है वो तो दो हमें। और प्लीज़ ऐसा मत करो कि बस वीडियो देख के चले जाओ आप और सब्सक्राइब मत करो, 96% ऑलमोस्ट लोग जो हैं वो ऐसा ही कर रहे हैं कि मेरी वीडियोस को देख के चले जा रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़ बहुत बहुत मेहनत लगती है यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, अभी तो कर दो प्लीज़। एंड दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे बड़ा सा लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ आएँ उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड ऑल्सो आई एम प्लानिंग टू डू अ Q&A, तो उसके लिए भी आप क्वेश्चन नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो यार। सो आई एम प्लानिंग टू डू अ Q&A
जो भी क्वेश्चन है आपके मन में आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ लो। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो उस क्यू एंड ए के ऊपर। एंड या स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव। बाय, हैव एन ऑसम डे। बाय, प्लीज सब्सक्राइब कर प्लीज़।